एक अवकल समीकरण दिया है dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x बराबर x स्क्वायर। इसकी इसको अपन वैसे तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं, पर फिर भी आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन x इंटू y। इससे आपको समझ में आएगा कि इसकी तुलना dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो p का मान कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन x और q का मान आ जाएगा x स्क्वायर। NCERT का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? समाकलन गुणक, इंट्रीगेटिंग फैक्टर, क्या सूत्र होता है पी डी एक्स। तो जिनमें 1 अपॉन x है उन सबका तो मजा ही मजा है, बताओ क्यों। 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x, और ई और log क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, केवल क्या आ जाएगा x। समझ आया बच्चों? अब अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल है y इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर का समाकलन प्लस c। y क्या है, सॉरी y तो y ही होता है, इंट्रीगेटिंग फैक्टर है x, यहां q क्या है और इंट्रीगेटिंग फैक्टर है x dx। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यू, एक्स क्यू का समाकलन बोल दो एक्स की घात 4/4 प्लस सी एक्स वाई। आंसर या तो यही सही है या फिर आप सब चाहें तो सभी पदों में एक्स का भाग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स की घात 4। मिला लीजिए आंसर, ये वाला है कि ये वाला है, ये चलिए कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे dy upon dx साथ गुणा में कुछ होगा, लेकिन तुलना करते समय dy upon dx साथ गुणा में कुछ होता नहीं है, तो जो भी गुणा में उसका पूरे समीकरण में क्या करना पड़ता है भाग। तो कौन है इस बार गुणा में, x है, तो x dy upon dx और x का यहाँ क्या कर दिया भाग, ऐसे यहाँ 2 upon x y और यहाँ x square upon x। समझ में आया, जो भी x से गुणा dy upon dx से गुणा में लिखा है, तो dy upon dx plus 2 upon x y सही है। इसकी तुलना करेंगे अपन किससे, dy upon dx plus py q से करने पर। p का मान क्या आ गया 2 upon x, q का मान क्या आ गया x। तो अब आप ध्यान से देखो, 2 upon x आ गया, 2 upon x में 2 कहाँ हो जाएगा बाहर, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब सियाने बन गए, अभी ई से लॉग मत हटा देना, बीच में दो है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे एन लॉग एम बराबर लॉग एम टू दी पावर एन, तो लॉग एक्स स्क्वायर। समझ में आया, अब ई और लॉग अलग हो जाएंगे और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। समझ आया बच्चों, कितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। मानसी बेटा इंट्रीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इस बार एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या है एक्स, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो वही हो गया, क्या हो गया एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का वही आ गया एक्स की घात 4/4। इसके बाद चार चाहें आप तो पूरे समीकरण में काय का भाग दे सकते हैं एक्स स्क्वायर का। समझ आया कि नहीं। इसकी तुलना अपन काय से करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर। P का मान कितना आ जाएगा पी वाई टेन एक्स इंटू वाई, तो टेन एक्स, और Q का मान क्या आ जाएगा sec x। बहुत ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे समाकलन गुणा इंट्रीगेटिंग फैक्टर e टू द पावर पी डी एक्स टेन एक्स। किस किस को आता है टेन एक्स का समाकलन, किसी को नहीं आता है, log sec x। tan x समाकलन क्या होता है sec x, तो केवल क्या बचा देखिए, आया समझ में। अब बेटा देखिए, अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा y into integrating factor is equal to q into integrating factor का समाकलन plus c। integrating factor क्या है बेटा, तो y into sec x, Q क्या है, इंट्रीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया बोलिए, Q
क्यू भी sec x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है sec x। बहुत गधे बच्चे हैं, मैं खुद अपने हिसाब से सरल करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे लगे। sec स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x का देखिए कितना सरल सवाल हो गया। अब इसको आप और चेंज करना चाहें तो sec x को क्या लिख लें, 1 अपॉन cos x, और इसको क्या लिख लें और प्लस c, पूरे समीकरण में cos x का बड़ा, यहां भी cos x कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, यहां बस cos x आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अब आपको समझना होगा कि जैसे ये सवाल ध्यान दो, cos x dy अपॉन dx प्लस y sin x इज इक्वल टू 1, ये भी इक्वली फेमस, जितना वो उतना ही। तो इसमें क्या करते फिर अपन से, cos x का तो dy अपॉन dx प्लस y tan x इज इक्वल टू sec, ये वही का वही सवाल। समझ में आया बच्चों? चलिए करिए बेटा। यहां पर 8th क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है, चेंज कुछ नहीं है, 2y tan x है और इक्वल में क्या है sin x, तो p का मान क्या आ जाएगा आपका 2 tan x और यहां आ जाएगा आपका sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर काल में यहां 2 रहेगा, यहां 2 रहेगा, तो अब ईओ लॉग तो हटेगा नहीं, तो क्या किया जाए फिर, लॉग और दो पावर पे आ जाएगा sec स्क्वायर x, तो ईओ लॉग हट जाएगी, कितना आ गया sec x। समझ में आया? ये टेक्निक अभी मैंने आपको बताई है कि log m टू दी n log m बराबर log m टू दी पावर n, बताया मैंने आपको ये अभी। चलिए मान रख दीजिए आयुषी, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, sec स्क्वायर x, q का मान कितना है आयुषी, हाँ? तो अब देखो ये जो मैं कर रहा हूं sin x इंटू क्या है sec, ये एक बहुत ही छोटी स्टेप है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर अब चलो हाउ हटाओ, ठीक है, फिर 1 अपॉन cos x अलग, sin x अपॉन cos x अलग। समझ में आया नहीं आया? फिर पढ़ते का sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x का समाकलन। अब उनको बहुत पछतावा हो रहा होगा जिन्होंने कह कह के कितनी बार मैंने कहा बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बहुत सरल चीज है, समाकलन अच्छे से पढ़ लो, अवकल समीकरण बहुत। अब ये बिल्कुल नितकृष्ट घटिया क्वालिटी है, शुरुआत में पढ़ा हुआ 0.4 में पढ़ा हुआ सवाल है, अधिकांश सवाल इसके ऐसे ऐसे जिनमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, आएंगे सवाल दिमाग वाले लेकिन सरल भी हो, पेपर में भी आ रहे क्या। इसके बाद आप चाहें तो पूरे समीकरण में sec स्क्वायर x का भाग, और सबसे गजब की बात ये कल असाइनमेंट भी दे दिया तो भी किसी ने 1 अपॉन sec x, और ये कितना हो गया बेटा 1 अपॉन sec x का क्या हो गया बेटा cos x, और ये हो गया c cos स्क्वायर x। कौन सा वाला आंसर लिखा हुआ है, यही वाला लिखा हुआ है, हाँ अच्छा बिंदु भी दिए हैं ताकि अपन क्या कर पाए अचर का मान निकाल पाए। चलिए क्या दिए बिंदु बताइए जरा, आराम से यहाँ करेंगे। ओके बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, चल जाएगा, क्या लिखा बताइए, y बराबर 0 पाई बाई 3, जरा यहाँ मान रखेंगे बेटा सौरभ, y का मान 0 cos पाई बाई 3 प्लस c इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। बेटा यहाँ से अपन बढ़ते का इसका पक्षांतर कर लेते हैं, c cos स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू, बोलना पड़ेगा बेटा cos पाई बाई 3, काय का हो जाएगा इस तरफ आके बेटा माइनस का, तो c इज इक्वल टू आ गया cos पाई बाई 3 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 3। आपको लग रहा होगा कि सर मान क्यों नहीं रख रहा, ये बचा cos पाई बाई 3। अब cos पाई बाई 3 cos 60 का मान रख दो नंदिनी, नहीं बता नंदिनी, 1/2, तो बस ये मान यहाँ रख देना y, यह मान समीकरण एक में रखने पर y बराबर cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, सही है। अगला सवाल है dy upon dx plus y into sec x is equal to tan x, इसकी तुलना dy upon dx plus py is equal to q से कर, p का मान sec x, q का मान tan x,
सही है बच्चों, समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। हाँ तो भैया किस किस को sec x का समाकलन आता है, तीन तीन होते हैं, log sec x प्लस log sec x प्लस tan, और इतना सा आपने किया और सवाल तो हो ही गए, ई और log अलग हो गए, sec x। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा बोलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का समाकलन प्लस c। y क्या है, y तो y ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस q, बताइए वर्तिका tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपसे है गुजारिश, अब अंदर गुणा कर दीजिए sec x इंटू tan x और tan, sec x इंटू tan x का क्या होता है बताओ जरा, और tan स्क्वायर x का होता है, हाँ तो अब देखो कितनी छोटी चीजें हैं कंचन, बिल्कुल शुरुआत है पढ़े थे समाकलन में, कोई अच्छा धातु सवाल बहुत ही कम होते हैं एक दो, तो वो तो इसने समाकलन पढ़ लिया मतलब उस पर अवकल समीकरण ही बनना चाहिए, तो tan स्क्वायर x को क्या लिखा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x का sec x, sec स्क्वायर x का tan x माइनस x प्लस c। ये हो गया बेटा, इसमें अपन को कोई भाग भाग नहीं देना है, अपना आंसर यही है। इसके बाद बेटा एक सवाल और लिखा है, क्या लिखा है बताओ जरा, cos x dy upon dx plus y is equal to sin x, पूरे समीकरण में हम cos x का क्या कर देंगे भाग, तो ये dy upon dx, ये y sec x और ये tan x, तो ये यही सवाल बन जाएगा, ये सवाल एमपी बोर्ड 2013 में आ चुका है। ध्यान दीजिए, बहुत ही फेवरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको टिक जरूर कर लीजिएगा आप, अभी जितनी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, पर ये एक अलग क्वेश्चन है और ऐसे कई बार आ जाता है। सबसे पहले तो देखो ये तो बात क्लियर है कि सब में dx का भाग देना है, काय का भाग देना है, तो क्या है कि आप इसमें तीन स्टेप में भाग देंगे, कितने स्टेप भाग देंगे कि भाई पहले इसका फिर इसका, इससे अच्छा आप एक बार ही समझ लो कि आपको ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और ये है आपका 2x dx और y अलग से लिखा है मैंने, सही है नहीं चलेगा, और cotx dx आपको भाग देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से, काय से भाग देना है, समझ पाए मेरी बात को, पहले आप dx का भाग देते फिर आप देखते हैं dy upon dx के बराबर में तो क्या लिखा है 1 प्लस x, तो उसका देना पड़ता, तो आप वैसे भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बचा क्या dy upon dx 2x upon 1 प्लस x स्क्वायर y, dx से dx क्या होगा cot x upon 1 प्लस x स्क्वायर dx से dx, इसकी तुलना इसकी dy upon dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, नंदनी बेटा पी का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्यू का मान cot x अपॉन 1 प्लस है, आप देखिए कितने इत्मीनान से जब सवाल हो रहे हैं। अब हम निकालेंगे कंचन समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, थोड़ा सा ध्यान और आपका कठिन सवाल सरल सवाल हो जाएगा, बताओ क्या करना है, मानसी 1 प्लस एक्स को क्या मानो t, तो ये काम चला जाएगा dt में, पर अपन यहाँ थोड़ी ऐसा करेंगे, अपन ने इतनी पढ़ाई करी है जिंदगी में d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स को, नीचे फलन है ऊपर फलन का अवकलन है log 1 प्लस एक्स, यहाँ रीजन जरूर लिख दिएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन, कहा था कि ये फॉर्मूला बहुत आगे तक यूज में आएगा, आया कि नहीं आया, चलिए सर हो गया अपना ई वो लॉग हट गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स, पर इस सवाल का अच्छाई यहीं खत्म नहीं होती है। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान बताइए cot x अपॉन 1 प्लस x, जानते हैं आप क्यों के मान है बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों है, नहीं जानते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे क्या होगा
कॉट एक्स का बोल दो लॉग साइन एक्स, आंसर में ला लो जिंदगी में। आ गया है सर हल की नहीं कह ही रहा हूँ मैं आपसे, आप ध्यान नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस समीकरण को हमें हल करना है। उसके पहले हम पूरे समीकरण में कोई तो बोल दो यार का भाग करें। अब ऐसा नहीं है कि टेन एक्स अपॉन उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी आप रह नहीं दो, क्या आएगा वाई सेक एक्स और इसको ज्यों का त्यों ही रहने दो, ये अभी अपने कोई खास काम का है नहीं। रोहित इसकी तुलना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, बेटा पी का मान बोल दीजिए, क्यू का मान बोल दीजिए, आप चाहें तो टेन एक्स को फिर साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, फिर वो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स आएगा, तो रहन तो दो ठीक है। चलो अब बेटा सबसे पहले निकालेंगे इंट्रीगेटिंग फैक्टर, कल बोलोगे e टू द पावर पी डी एक्स। अब आ गया है समय, क्या आप जानते हैं, नहीं सर सेक स्क्वायर एक्स का टेन। अब इतनी ज्यादा ई को अलग करने की आदत हो जाती है कि नहीं भी हो रहा है तो भी अलग, अब कैसे अलग हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेन एक्स, इसमें भैया अपन कुछ नहीं कर सकते। अतः दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा क्या होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कल बोलो y into e to the power 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हो गया e to the power 10x, q का मान बोलो 10x into sec square x और e to the power 10x और सही है, फिर 10x को क्या मान लिया अपन ने t, 10x is equal to t, sec square x is equal to dt upon dx, तो sec square x dx is equal to क्या आ गया dt, तो सवाल बन गया y into e to the power t, sec square x और dx काय में चले गए dt में, 10x की जगह t into e to the power t। अब लगाएंगे पहला फलन दूसरे का, चलिए बोलिए मुझे तो आता नहीं आप बोलिए, पहला फलन दूसरे का e to the power t का e to the power t ही है, माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन एक दूसरे का समाकलन, नहीं आया समझ ले बताओ टी ई टू द पावर टी और ई टू पावर टी का ई टू द पावर टी प्लस सी, पूरे समीकरण में ई टू द पावर टी का भाग देने पर, सही है बच्चों। अब आप टी का मान रख सकते हैं, अब आप आंसर में ला सकते हैं, आ गया